Hello friends, welcome to our YouTube channel Physical Universe. Today we will study about digital electronics. In digital electronics, very important topic, logic gates. Fundamentally, logic gates is 7 type और इनमें 3 प्रकार हैं बेसिकली. फर्स्ट है बेसिक लॉजिक गेट्स. ये है फर्स्ट है नॉट गेट, सेकंड है और गेट, और थर्ड है एंड गेट. और इसमें सेकंड प्रकार है यूनिवर्सल लॉजिक गेट. ये दो प्रकार के हैं. फर्स्ट है नॉट गेट, सेकंड है. ये दोनों बेसिक लॉजिक गेट से मिलकर ही बने होते हैं. और इसमें थर्ड टाइप है एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स. ये भी दो प्रकार के हैं, अक्स और सेकंड है अक्स नोड. तो हम इन सभी को एक एक करके देख लेते हैं. तो पहले हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स. और बेसिक लॉजिक गेट्स में फर्स्ट में बात करते हैं हम नोट गेट की. नोट गेट एक प्रकार का इन्वर्स होता है. तो हम पहले इसको देख लेते हैं. तो इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है इसमें एक ही इनपुट होता है ये ए. तो आउटपुट हमें इन्वर्ट करके प्राप्त होगा, ए बार प्राप्त होगा. इसकी ट्रुथ टेबल है वो इस प्रकार से होगी. यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पर रिजल्ट ए बार के रूप में. जैसे हमने जीरो दिया और वन, तो जीरो दिया तो ये इन्वर्ट करके हमें वन प्राप्त होगा, और वन दिया तो ये इन्वर्ट होकर हमें जीरो प्राप्त होगा. अब हम इसकी पल्स ऑपरेशन देख लेते हैं. पल्स ऑपरेशन मैंने पहले ही बता दिया है पिछली वाली वीडियो में. तो इसकी पल्स ऑपरेशन देख लेते हैं. ये हमने ए दे दिया, ये मान लो इस प्रकार से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? वाई ये जीरो वन जीरो वन जीरो, ये इस प्रकार से है. तो हम रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं जरा. जीरो है तो हमें वन मिलेगा, और यहाँ पर वन है तो हमें जीरो मिलेगा, और फिर जीरो है तो हमें यहाँ वन मिलेगा, और वन है तो हमें जीरो मिलेगा, और जीरो है तो वन मिलेगा. ये एक प्रकार का इन्वर्टर होता है. तो यहाँ पर वन है, जीरो है तो वन आ गया, वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, और जीरो है तो वन. ये इन्वर्ट करके हमें दे रहा है. तो अब हम हमारा नोट गेट हो गया. अब हम देख लेते हैं और गेट के ऑपरेशन. तो और गेट के ऑपरेशन देखने के लिए और गेट में हम पहले इसका सिंबल देख लेते हैं. इसका सिंबल होता है मान लो यहाँ पर दो इनपुट है ए बी, तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये हमारा सिंबल हो गया. इसकी ट्रूथ टेबल है. ट्रूथ टेबल अगर हम इसमें जीरो जीरो दे रहे हैं तो हमें जीरो प्राप्त होगा. अगर हम जीरो वन दे रहे हैं तो यहाँ पर देखो वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस वन, वन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर वन हो गया. फिर इसी प्रकार से वन जीरो वन हो गया, और वन वन भी वन हो जाएगा इसमें. और इसमें हम इसके पल्स ऑपरेशन देख लेते हैं. पल्स ऑपरेशन में ए और बी हमें इनपुट के रूप में है, तो हमें आउटपुट वाई चाहिए. तो वाई हमें इस प्रकार से मिलेगा. अब देखो टेबल के हिसाब से होगा. ये टेबल में हमें दे रखा है जीरो जीरो होने पर जीरो, तो जीरो जीरो होने पर ये हमें प्राप्त होगी जीरो.
टेबल में हमने देखा कि वन 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 होने पर ये क्या आपको मिल रहा था, वन मिल रहा था, ये वन हो गया। अब जीरो वन होने पर क्या मिल रहा था, जीरो वन होने पर हमें क्या मिल रहा था, जीरो वन होने पर हमें मिल रहा था वन, तो ये वन रह गई। और जीरो जीरो होने पर जीरो जीरो मिल रही थी, और जीरो वन होने पर फिर से हमें वन मिल गई, और जीरो जीरो होने पर ये टू टेबल ये जीरो वन वन जीरो वन जीरो। अब हम अगले गेट की बात करते हैं, तो अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट का हम पहले सिंबल देख लेते हैं। एंड गेट का सिंबल ये होता है, अगर इसमें दो इनपुट लगे हुए हैं ए और बी, तो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा ए डॉट बी। और इसकी ट्रूथ टेबल हमें यहाँ पर मिल रही है जीरो जीरो हुआ, देखो यहाँ पर वाई इजक्वस टू जीरो डॉट जीरो जीरो मिला, वाई इजक्वस टू जीरो डॉट वन जीरो, और वाई इजक्वस टू वन डॉट जीरो जीरो, और वाई इजक्वस टू वन डॉट वन में वन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये इसमें हम कर देंगे जीरो 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 वन, हमें ये ट्रूथ टेबल मिल गई। और अब इसकी पल्स ऑपरेशन की हम बात कर लेते हैं, तो पल्स ऑपरेशन इस प्रकार से होगी। तो पल्स ऑपरेशन हमारी ट्रूथ टेबल से बनाएंगे हम, तो वाई तो यहाँ पर जीरो जीरो। अब देख लेते हैं एक बात दोबारा, हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल हमारी ये है जीरो 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 वन, ये ट्रूथ टेबल के हिसाब से है। तो अब हम देख लेते हैं, जीरो जीरो होने पर हमें जीरो मिला, ये लो जीरो जीरो होने पर हमें जीरो मिल गया। अब जीरो यहाँ पर वन वन है, तो वन वन होने पर हमें वन मिला था, तो हमें ये लो वन मिल गया, ठीक है। अब जीरो वन होने पर हमें जीरो मिला था, तो ये जीरो हो गया। वन वन होने पर फिर से हमें वन मिला था, तो ये वन हो गया। जीरो वन पे हमें जीरो मिला था, ये जीरो हो गया। और यहाँ पर वो अगर जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो होने पर भी हमें जीरो मिला था, ये लो यहाँ पर जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, ये होगी। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स दो प्रकार के हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नोर गेट की। बेसिकली नोर गेट होता क्या है, नोर गेट और गेट प्लस नोट गेट दोनों से मिलकर बना होता है, और इसका सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। ये और गेट हो गया, इसमें दो इनपुट अप्लाई कर दो ए बी, और यहाँ पर नोट गेट अप्लाई कर दो, तो वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, इसका सिंबल होता है। और अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल में ए प्लस बी का बार, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, तो यहाँ पर देखो ए प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो हमें क्या मिला जीरो, और इसका बार कर दिया, इसका बार करने पर क्या हो गया वन। हमें बताया कि बार का मतलब ये होता है, अगर जीरो हो तो उसका वन हो जाएगा, और वन है तो बार लगाने पर जीरो हो जाएगा। और अब आगे देखते हैं, जीरो वन वन हो गया, और इसका बार लगाने पर जीरो हो गया। यहाँ पर जीरो प्लस सॉरी वन प्लस जीरो वन, और इसका बार करने पर हमें क्या मिला जीरो, वन प्लस वन वन, और इसका बार करने पर हमें मिला जीरो। तो हमें ये ट्रूथ टेबल मिली वन जीरो जीरो जीरो, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये और गेट के बिल्कुल विपरीत हो गई थी। और गेट में हमें जीरो वन 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 मिला था, और यहाँ पर वन जीरो 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 मिला है। तो अब हम पल्स ऑपरेशन देख लेते हैं इसके। पल्स ऑपरेशन मैंने पहले बताया, पल्स ऑपरेशन आधारित होती है ट्रूथ टेबल पर। तो अब हम यहाँ पर वाई देख लेते हैं, यहाँ पर तो हमें मिलेगा जीरो 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 है, तो हमें क्या मिला वन जीरो वन जीरो वन जीरो
जीरो वन वन जीरो, तो जीरो जीरो होने पर वन मिलेगा, तो यहाँ पर जीरो जीरो होने पर वन मिल गया, जीरो वन होने पर इधर जीरो वन होने पर हमें क्या मिला जीरो, फिर से जीरो जीरो होने पर हमें वन मिला, जीरो वन होने पर जीरो मिला, जीरो जीरो होने पर वन मिला, जीरो वन होने पर जीरो मिला और जीरो जीरो होने पर वन मिला, तो यहाँ पर वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ऐसे हमें पल्स ऑपरेशन मिलती हैं। तो हम अब आगे देख लेते हैं नैंड गेट। नोर गेट की तरह ही नैंड गेट बना होता है एंड प्लस नोट गेट से। तो अब हम इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल इसका होगा ये दोनों एंड गेट, इसमें दो इनपुट अप्लाई कर दो ए बी और यहाँ पर नोट गेट लगा दो, तो वाई इज कोस टू ए डॉट बी का बार हो जाएगा। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल उसी प्रकार ए डॉट बी का बार, तो हम देखा फ्रेंड्स वाई इज कोस टू जीरो डॉट जीरो, जीरो हो गया और इसका बार कर दिया, तो बार करने पर हमें क्या मिला वन। इसी प्रकार जीरो डॉट वन जीरो बार वन, वन डॉट जीरो जीरो बार वन, वन डॉट वन वन बार जीरो, तो हमने वन 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 जीरो। तो ये एंड गेट के बिल्कुल विपरीत ऑपरेशन में मिला है। तो हम अब इसकी पल्स ऑपरेशन देख लेते हैं। पल्स ऑपरेशन वाई, यहाँ पर हमें पल्स ऑपरेशन ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखनी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन और वन वन, एक ही कंडीशन में जीरो हो रहा है, जब दोनों वन वन हो तो ये जीरो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलो फ्रेंड देखते हैं, जीरो जीरो होने पर हमें वन मिला, तो ये लो ये वन मिल गया। अब हमें वन वन है, वन वन होने पर हमें क्या मिला जीरो मिला, तो ये लो जीरो, जीरो वन होने पर वन मिल रहा है, ये लो वन वन होने पर जीरो मिल रहा है और जीरो जीरो होने पर फिर से हमें वन मिल रहा है, जीरो वन होने पर भी वन मिल रहा है और जीरो जीरो होने पर भी वन मिल रहा है, वन वन होने पर हमें जीरो मिल रहा है, जीरो वन होने पर हमें वन मिल रहा है, वन वन होने पर फिर से जीरो और जीरो जीरो होने पर वन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, जीरो जीरो पे यहाँ पर हमें मिला वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन जीरो वन मिल रहा है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव गेट्स। नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट एक्स ओर एंड एक्स नॉर गेट। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्स ओर गेट। एक्स ओर गेट इज ऑल्सो बी कॉल्ड इक्वेलिटी कंपेरेटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस एक्स ओर गेट सिंबल। देयर सिंबल इज टू इनपुट ए एंड बी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स ओर बी। देयर इज कॉल्ड ए ए बार बी प्लस ए बी बार। नाउ अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बेस होती है सिंबल पर और सिंबल हमें पता है। अब देखो यहाँ पर जीरो जीरो रख दो, जीरो 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 रखा ए की जगह और बी की जगह भी दोनों की जगह, तो जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो इसके बार लगा दो, तो वन जीरो प्लस जीरो वन जीरो। इसी प्रकार से जीरो वन रखने पर जीरो वन प्लस जीरो वन इसका बार
इसका बार, तो यहाँ पर हो गया वन वन प्लस जीरो जीरो, तो यहाँ पर वन आ गया। इसी प्रकार से नीचे वाला, और अब हम देखते हैं वन वन की, तो यहाँ पर वन वन बार प्लस वन वन बार, तो यहाँ पर जीरो वन प्लस वन जीरो हो गया, तो ये जीरो आ गया। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो जीरो वन वन जीरो। तो हमने देखा कि जहाँ पर जीरो जीरो, तो इनपुट जीरो जीरो होने पर हमें आउटपुट भी जीरो मिला, और एक भी अगर इनपुट वन है तो हमें वन मिल रहा है, और दोनों इनपुट वन वन होने पर भी हमें जीरो मिल रहा है ना। नाउ अब हम देख लेते हैं पल्स ऑपरेशन वाई इक्वल्स टू, अगर दोनों जीरो जीरो हैं तो जीरो आएगा, तो ये लो जीरो, दोनों वन वन है तो भी जीरो आएगा, ये लो जीरो, और अगर एक जीरो एक वन है तो वन आएगा, ये लो, और एक वन एक जीरो है तो भी वन आएगा, और जीरो जीरो होने पर जीरो आएगा, वन वन होने पर भी जीरो आएगा, जीरो वन होने पर वन आएगा। इसके पल्स ऑपरेशन हो गई। दोबारा देख लेते हैं इसको, जीरो जीरो होने पर ट्रू टेबल में देखो, जीरो जीरो होने पर जीरो, जीरो वन होने पर वन, और वन जीरो होने पर वन, और वन वन होने पर जीरो, तो जीरो जीरो होने पर जीरो, वन वन होने पर भी जीरो, जीरो वन होने पर वन, और जीरो वन जीरो होने पर भी वन, और जीरो जीरो आ गया। देख लेते हैं, नाउ अब हम बात करते हैं एक्स ओर गेट। एक्स ओर गेट को हम एक्सक्लूसिव इक्वेलिटी कंपेरेटर भी कहते हैं। नाउ अब हम इसका सिंबल देखते हैं। अब इसमें एक नोट गेट और अप्लाई हो जाता है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें एक नोट गेट अप्लाई करते हैं। इसमें अब इनपुट लगा दे ए एंड बी, और हमें वाई मिला है ए प्लस बी, इसका बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए दो ए बी बार प्लस ए बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए दो बी। नाउ ट्रू टेबल देख लेते हैं हम इसके, तो ट्रू टेबल देखने पर अब हमें दोनों जगह जीरो जीरो रखना है। यहाँ पर देखो वाई इज इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी है, तो ए बार बी बार की जगह हमें क्या रखना है, ए बार बी बार की जगह जीरो जीरो रखना है, जीरो जीरो प्लस यहाँ पर क्या आ गया जीरो जीरो, इसका बार, तो ये यहाँ पर हो जाएगा वन वन प्लस जीरो जीरो, तो ये वन हो गया। इसी प्रकार वाई इक्वल्स टू जीरो वन, ये रखते हैं जीरो वन, इसका बार प्लस ए सॉरी जीरो वन, तो ये हो जाएगा वन जीरो प्लस जीरो वन, ये जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, वन जीरो का भी जीरो आ जाएगा, और वन वन का देख लेते हैं, वन वन इसका बार प्लस वन वन, ये दोनों हो गए जीरो जीरो प्लस वन वन, तो ये हो गया वन, ये वन हो गया। तो अब हम ये पुट कर देते हैं वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, नाउ या फिर हमें इसे ए प्लस इसका बार कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वन जीरो जीरो वन। नाउ अब हम इसकी पल्स ऑपरेशन देखते हैं। पल्स ऑपरेशन ट्रू टेबल पर आधारित होती है, तो जीरो जीरो होने पर वन, जीरो वन होने पर वन, और वन जीरो होने पर सॉरी जीरो वन होने पर जीरो, वन जीरो होने पर जीरो, वन वन होने पर वन, तो इसे ये कंक्लूजन निकला कि जीरो जीरो होने पर वन मिलेगा, और वन वन होने पर भी वन मिलेगा। अगर दोनों इनपुट जीरो जीरो या वन वन है तो हमें वन मिलेगा, और अगर इनपुट में से एक भी अगर जीरो हुआ या एक भी वन हुआ, एक जीरो एक वन होने पर जीरो मिलेगा। तो हम देख लेते हैं जीरो जीरो होने पर वन मिल रहा है हमें, तो वाई जीरो जीरो होने पर हमें वन मिल रहा है, ये लो वन जीरो होने पर हमें जीरो मिल रहा है, और जीरो वन होने पर भी हमें जीरो मिल रहा है, जीरो वन होने पर भी जीरो, और जीरो वन होने पर जीरो, और वन वन होने पर हमें वन मिल रहा है, और जीरो जीरो होने पर भी हमें वन मिल रहा है। इस प्रकार से इसकी पल्स ऑपरेशन होगी। तो ये हमने बात कर ली अक्ष ओर गेट और अक्ष नोर गेट।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड कमेंट द बिलो द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.